राजधानी पटना में आजाद समाज पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भीम आर्मी प्रमुख सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारी पार्टी सभी सीटों पर मजबूत तैयारी कर रही है। आजाद ने बिहार की टीम की घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जौहर आजाद, प्रदेश प्रभारी के रूप में सैयद मसूदीन को निर्वाचित किया गया। वहीं मौके पर निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति अपना आधार जताते हुए कहा कि जल्द ही पूरे बिहार में दौरा कर लिया जाएगा, दौरा कर जिला एवं प्रखंड स्तर की समिति बनाई जाएगी और इस बार पार्टी चुनाव में भीम आर्मी के समर्थन में सांप्रदायिक टियों को शिकस्त देने की तैयारी में है। हमारा इस बार पूरा ध्यान युवाओं पर होगा क्योंकि कोरोना, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और महंगाई की मार ज़्यादा झेल रहे हैं और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेगी। चंद्रशेखर आजाद जी ने जो हमें प्रभार दिया है, एक जिम्मेदारी दी है बहुजनों को एक करने की, मजलूमों की लड़ाई लड़ने की। मैं आह्वान करता हूँ उनकी मौजूदगी में कि बहुजनों की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानियों का नजर रखूँगा और जाति के भेदभाव को मिटा कर बहुजनों को एक करूँगा। SC ST OBC और मुसलमान एक मंच पे आएंगे और ये डबल इंजन की सरकार आज से थर थर कांपेगी क्योंकि चंद्रशेखर रावण आ चुका है और उनके पीछे उनका भाई, छोटा भाई जौहर आजाद खड़ा है। धन्यवाद। मसीउद्दीन जी हैं जो प्रदेश प्रभारी और प्रवक्ता के रूप में भी जो है कार्य करेंगे। मनोज कुमार भारती हैं भीम आर्मी के पहले प्रभारी थे, प्रदेश के प्रभारी जो है पार्टी के रूप में कार्य करेंगे। अमर ज्योति जी हैं जो पहले प्रदेश महासचिव थे और अब प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी के रूप में कार्य करेंगे। हमारे साथ जौहर आजाद है जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है आजाद समाज पार्टी के संभालेंगे। माला दीजिए, माला दीजिए। धीरे धीरे जो है पूरे देश में अपनी यूनिट खड़ी कर रही है और बिहार के इलेक्शन में भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसी बात को नजरअंदाज रखते हुए जो है बिहार की स्टेट कमेटी की आज घोषणा की जा रही है और आप सबके सहयोग से आप पूरी आशा और उम्मीद है। अच्छा, कैमरा मैन के अगर फोटो हो रहे हैं, पहली बात तो कानून का राज नहीं है और जो समस्याएं हैं जिनको सोल्व किया जा सकता है, जैसे रोजगार की समस्या है, जैसे बाढ़ की समस्या है, जैसे जो है और कई सब ऐसी बड़ी बड़ी समस्या है, एजुकेशन की समस्या है और यहाँ का बड़ा एक तबका जो है देश में अपने लिए रोजगार की व्यवस्था को लिए जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं को नजर ध्यान में रखते हुए जो है उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार यहाँ बनेगी और ये जो समस्याएं को जड़ से खत्म किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ अत्याचार की है जो बड़े पैमाने पर है और हमारा प्रयास रहेगा कि जिस दिन हम लोग सरकार में आएंगे तो कमजोर वर्ग के सभी लोगों को लाइसेंस जो है प्रोवाइड कराया जाए क्योंकि यहाँ रोज जो है हत्या और रेप की घटनाएं बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जो है चुप है। अब मुझे लगता है कि देश प्रदेश की जनता जो है हमसे ऊब चुकी है, वो नए लोग चाहती है और नए लोग हमारे पास। धन्यवाद। मैं इसकी घोषणा सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.